केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी शिक्षण संस्थानों में मिलेगा आरक्षण। मंगलवार को संसद में आ सकता है संविधान संशोधन बिल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रक्षा मंत्री पर आरोप, कहा रफाल पर झूठ बोल रही हैं निर्मला सीतारमण। राहुल गांधी का पीएम पर भी हमला, बोले चौकीदार लोकसभा में आने से डरते हैं। बिहार में आज महागठबंधन की पहली बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। करतारपुर कॉरिडोर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, भारत सरकार ने जमीन अधिग्रहण के फंड को मंजूरी नहीं दी। नए साल में पहली बार महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 21 पैसे और डीजल में 8 पैसे की बढ़ोतरी की। बारिश के बाद भी दिल्ली की हवा में अभी भी सुधार नहीं, कोहरे के चलते कई ट्रेन लेट तो फ्लाइट्स में देरी से एयरपोर्ट में यात्रियों की भीड़। बैंकॉक एयरपोर्ट पर रोकी गई सऊदी अरब से भागी लड़की, लड़की ने कहा वापस भेजने पर मार दिया जाएगा। एशियन कप फुटबॉल में भारत ने थाईलैंड को 4-1 से हराया, सुनील छेत्री ने 2 गोल किए। और बारिश के चलते सिडनी टेस्ट ड्रॉ, भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रचा। जीत के बाद विराट कोहली ने अपनी कप्तानी की सबसे बड़ी जीत बताया।